अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। फरीदुद्दीन गंजी शकर रहमतुल्लाह ताला ने एक क्लिप भी है बुजुर्गी चेक करने का तरीका। वो यार जिनके एक मुरीद का नाम निजामुद्दीन औलिया है। मैं नहीं मानता। अब निजामुद्दीन औलिया ये भी समझो कि एक अलग मौजू है। वाह गुड। ये क्या मकाम है क्या मर्तबा। एक मुरीद का नाम निजामुद्दीन औलिया है। बाबा फरीद ने क्या कहा सुनो। बाबा फरीद फरमाते हैं कल कयामत वाले दिन अल्लाह ताला तो अक्सर लोगों को इसलिए बख्श देगा, उन्होंने अल्लाह के वलियों के हाथ पे भरोसा दिया होगा। अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत शक्ल भी अता की है, बड़ी बड़ी आंखें, मोती जैसे दांत, खूबसूरत होंठ और ये सुनहरी बाल। आपकी खूबसूरती का कितना दखल है आपकी मकबूलियत में। हदीसे शिफा जो बुखारी मुस्लिम में सबके साथ हजरत आदम अलैहि सलाम के पास जाएंगे, वो आगे क्या कहेंगे, मैं पहलवान हूं। वो कहेंगे नफसी नफसी आज मुझे अपनी जान की फिक्र है। तुम इब्राहिम के पास जाओ, वो कहेंगे मुझे आज अपनी जान की फिक्र है। वो कहेंगे मूसा के पास जाओ और हर एक अपनी दुनिया में होने वाली लज्जें भी गिनवा रहा होगा सिवाय नबी अलैहि सलाम के। सबके सब लोग नफसी नफसी कर रहे होंगे और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है कि क़यामत वाले दिन इब्राहिम अलैहि सलाम भी मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे। इसी पे आला हज़रत का शेर है ना, वो जहन्नुम में गिरा उनसे जो मुस्तग़ना हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। खलीलुल्लाह को भी रसूलुल्लाह की हाजत है। तो तुम्हारे पर मान के दिखाते जने। अलबत्त मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, जब नबी अलैहि सलाम की दुआ की बरकत से जब शफात का दरवाजा खुलेगा फिर फरिश्ते भी शफात करेंगे, अल्लाह के नेक बंदे भी करेंगे। लेकिन नेक बंदे सब मुसीबत है ना, बरेलवियों के नेक जो है वो देवबंदियों के गुस्ताखे रसूल है, मुशरिक है। देवबंदियों के नेक बरेलवियों के गुस्ताखे रसूल है ना, ये करेंगे। मुझसे आप पूछे, मेरा ईमान है इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम से बात करेंगे। पहलवानों की तरह नहीं, पहलवानों की तरह तो नबी नहीं कर सकते। बिल इज्न है, मन अल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहु इल्ला बि इज्न। इस पे डिटेल लेक्चर है, मसला 88B शफाअत रसूल की मुकम्मल हदीस, आप यूट्यूब पे जाके लिखें वो खुल जाएगा, आपको पता चलेगा कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा कोई शख्स उस दिन अमन में नहीं होगा, आपकी दुआ की बरकत से होगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत भी बिल इज्न ही है, बिल वजाहत नहीं है, दोस्त के साथ जबरदस्ती नहीं। नाऊज़ुबिल्लाह।